हजारों वर्ष पुराना है भारतीय संगीत, और उसमें समय समय पर परिवर्तन आते गए, पर हमारे यहाँ भगवान शिव ही आद्य प्रवर्तक हैं। वैदिक युग में सामगान बहुत प्रसिद्ध हुआ, और साम वेद बहुत महत्वपूर्ण वेद है, और उसके बाद राजा रामचंद्र जी के ज़माने में प्रबंध गान आया। प्रबंध गान में राजाओं की स्तुति होती है। महाभारत काल में भी प्रबंध गान और ध्रुपद गान का आविर्भाव हो गया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी ध्रुपद गान का उल्लेख मिलता है, क्योंकि ध्रुपद के साथ वीणा बजाई जाती है। समुद्रगुप्त बहुत बड़े वीणा वादक थे, उनकी जो भी चित्र मिले हैं वो वीणा बजाते हुए मिले हैं। आए रघुवीर धीर, आए रघुवीर धीर, अयो ध्यानगर को लंकापति हरण कियो, राज दियो विभीषण को। आए रघुवीर धीर, आए रघुवीर धीर, सिंहासन पर बैठे, सिंहासन पर बैठे, सीताराम चंद्र भरत शत्रुघ्न चवर डुलावे, आगे हनुमत वीर, आए रघुवीर धीर धीर आए। वास्तुशास्त्र, संगीत, नृत्य, नाट्य, वाद्य, इसके आद्य प्रवर्तक शिव ही माने जाते हैं। सबसे पहले शिवजी ने ओमकार का निर्माण किया, और संगीत को आगे बढ़ाया, और सर्वप्रथम जो विश्व का अवनद वाद्य जिसको परकशन इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है वो है डमरू। डमरू से पहले कोई वाद्य था ऐसा इतिहास में मिलता नहीं है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के समय भी पृथ्वीराज रासों में ध्रुपद का वर्णन आता है कि वो ध्रुपद दरबार में हुआ करते थे। राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद का आविष्कार किया वो बिल्कुल गलत है। राजा मानसिंह तोमर के भी 1000 वर्ष पहले से ध्रुपद चला आ रहा है, और पर यह है कि ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर साहब ने उसको आगे बढ़ाया, और बहुत कुछ ध्रुपद उन्होंने स्वयं भी बनाए, और 12वीं शताब्दी से के कुछ ध्रुपद जो हैं मैंने सीखे हैं। उस्ताद जयफरुद्दीन डागर साहब मेरे उस्ताद ने भी मुझे ध्रुपद कुछ बताए हैं, जैसे निरंजन निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर, तेरो मन में कितनो गुण रे, जो तू होवे ते तो प्रकाश कर रे, ये गुजरी तोड़ी का ध्रुपद है, ये 12वीं शताब्दी का है। डागर परंपरा के जो प्रवर्तक हैं आदि बेजू कवि एक संत थे, और
उनका ये उनके ध्रुपद हैं, तो उनसे ये ध्रुपद परंपरा शुरू होती है जो मानसिंह तोमर से 400 वर्ष पहले थे, और उसी से परंपरा शुरू होती है। और आदि बेजू कवि के 16वीं पीढ़ी में 15वीं नंबर पर थे हरिदास स्वामी और 16वें नंबर पर थे तानसेन साहब, उनके हरिदास जी के गुरु शिष्य थे तानसेन। अकबर बादशाह के समय अकबर बादशाह ने भी ध्रुपद को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, और अकबर बादशाह के समय बादशाह के लिए ध्रुपद लिखे जाने लगे, जो कभी ईश्वर के लिए लिखे जाते थे या रामचंद्र जी के लिए लिखे जाते या श्री कृष्ण के लिए लिखे जाते थे, वो ध्रुपद अब जो है बादशाहों के लिए लिखे जाने लगे। और जैसे तू ही सूर्य तू ही चंद्र, तानसेन साहब ने लिखा है अकबर बादशाह के लिए लिखा है कि तू ही सूर्य है तू ही चंद्र है तू ही धरणी है, इस तरह की कुछ बातें सामने आती हैं। हे गणराज महाराज, ये तानसेन जी की रचना है, ये वास्तव में ध्रुपद है और वो बाद में ख्याल बन के भी गाया जाता है। ख्याल गायकी ध्रुपद गायकी से बच नहीं सकती। ख्याल गायकों ने यदि ध्रुपद सीखा है तो उसका वो ख्याल गायन में बहुत अच्छा उपयोग वो कर सकते हैं। खरज का काम है, गमक है, ये सब जो है ध्रुपद से आता है, पर ध्रुपद धमार से ही ख्याल गायकी का निर्माण मोमशा रंगीले के समय अदारंग सदारंग द्वारा किया गया। सदारंग एलियस नियमत खान इज यूजुअली क्रेडिटेड एज द फाउंडर ऑफ द ख्याल घराना। There is an interesting anecdote associated with Sadarang alias Niamat Khan. Niamat Khan was an acclaimed beanbaz in the Royal Darbar of Mughal Emperor Muhammad Shah Rangile. He was a direct descendant of great singer Tansen, having descended directly from the lines of Tansen's daughter Saraswati Devi. He was initially appointed in Mughal Darbar as an instrumentalist. As was the norm in those days, the position of an instrumentalist was considered secondary to that of the vocalist, their minor role being sitting behind the vocal maestros as accompanists. This partial treatment never sat well with Niamat Khan, alias Sadarang. Being a direct descendant, he wished for more. One day, the Mughal Emperor Muhammad Shah wished for a Veena Sarangi Jugalbandi in his court. This was taken as an insult by Sadarang, as he was a Veena player, which was considered a superior instrument in those days. A Veena was only used for solo performances in those days, while Sarangi was considered an accompanying instrument. And so, Sadarang refused the royal order. For this incivility, he was banished from the Delhi court by the Mughal emperor. And so, he shifted his base to the city of Lucknow. He lived in Lucknow for many years, and there, he trained two disciples, called Bahadur and Dulla. It is now usually believed that the style he trained these two disciples was in the newly created style of Khayal. The new style had more scope of improvisation and betterment of melodic patterns. Years later, his two disciples reached the Delhi Darbar, where they won over everyone by their enchanting new style of singing. Muhammad Shah, after listening to these two, was so taken in by the performances that he asked the brothers who their Ustad is, who has created this new form. The brothers told him that their Ustad is none other than the same Niamat Khan, now Sadarang, who the Badshah had banished from his court years ago. Realizing and remembering his mistake, Emperor Muhammad Shah reinstated Niamat Khan in his court again, this time as the head musician and master vocalist. Later on, Sadarang passed on his rich legacy of Khayal to his nephew Adarang, who took the form even further. ध्रुपद से ज़्यादा ध्रुपद का के बहुत सी बातें ख्याल में लगाई जाती हैं,
पर ध्रुपद सम से गाया जाता है और ख्याल जो है 13वीं मात्रा से या फिर 8वीं मात्रा से उठा इस तरह से उठाया जाता है, तो वो धमार से ख्याल की उत्पत्ति हुई है ऐसा मेरे गुरुजी पंडित श्री राम मराठे जी ने मुझे बताया कि बहुत से धमार जो हैं वो हवेली संगीत में गाए जाते हैं, जो वो बाद में ख्याल में भी है, भातखंडी जी की किताब में जो ख्याल है बन अठन का, वो केदार में धमार भी है और ख्याल भी है। घराने जो बने हैं वो लगभग 17वीं शताब्दी के अंत में 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो राजाओं ने अपने यहाँ और नवाबों ने अपने यहाँ कलाकारों को बुलाकर और संरक्षण देना शुरू किया और उनकी जो परंपरा बनी उसे घराना कहा गया। दक्षिण भारत में कोई घराने नहीं हैं, पंजाब में पूरे एरिया में उसको पूरा पंजाब घराना कहा जाता है, यानी यहाँ पर यदि एक जगह चार घराने हो गए तो वहाँ पे पंजाब में पूरा पंजाब को एक घराना माना जाता है, ये बड़ी विडम्बना है। और ये अलग अलग संगीत की विधाएं, संगीत की स्टाइल बनती गई, गाने की स्टाइल बनता गया, उसको घराना कहा गया। जैसे कुछ घराने में कोई तालों में गाना नहीं गाया जाता, कुछ घरानों में किसी ताल में गाना गाया जाता है, जैसे ग्वालियर घराने में है बड़ा ख्याल, आड़ा चौताल में भी गाते हैं, तिलवाड़ा में भी गाते हैं और एक ताल में भी गाते हैं। जयपुर घराने में बड़ा ख्याल तीन ताल में ही गाया जाता है, उसकी धीरे धीरे लय बढ़ाकर फिर उसको छोटा ख्याल कर लिया जाता है, ये एक अलग अलग वो ग्वालियर वो जयपुर घराने की स्टाइल बन गई। ग्वालियर घराना जो बना वो संपूर्ण घराना माना जाता है, लोग कुछ अष्टांग गायकी बोलते हैं, अष्टांग तो सारे घरानों में किए जाते हैं, मीण सूद गमक खटका मुरकी कर्ण ये सारे घरानों में इस्तेमाल होते हैं, तो ग्वालियर का सर्वांग पूर्ण घराना है। ग्वालियर घराने के ऊपर ध्रुपद का प्रभाव है, क्योंकि ग्वालियर में पहले ध्रुपद गायक भी बहुत हुआ करते थे, गणपतराव गवई थे और बाबा दीक्षित थे, नारायण शास्त्री थे जो पेशवाओं के दरबार से दौलतराव महाराज लेके आए थे उनको। बारहवीं शताब्दी में ही कव्वाली का आविष्कार खुसरो साहब ने किया, जब अलाउद्दीन खिलजी का राज्य औरंगाबाद में स्थापित हुआ और बड़े अरबी फारसी के विद्वान तो वो थे ही, संस्कृत के भी विद्वान थे, संस्कृत कष्ट की स्टडी की उन्होंने और ब्रज भाषा की उन्होंने स्टडी की, और उन्होंने देखा कि ये वारकरी संप्रदाय के लोग जैसे कीर्तन करते हैं तो एक तो धुमाली ताल होता है आठ मात्रा का, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, की जगह उन्होंने रामकृष्ण हरि की जगह तालियां बजाने का चलन चालू किया, ता न दे रे ना ता न न दे रे ना, दक्षिण भारतीय म्यूज़िक
वो भारत का पुराना संगीत माना जाता है। वो जो 2000 वर्ष पहले भी जो गाया जाता था वैसा ही आज गाया जाता है। उसमें सब ईश्वरी संगीत ईश्वरीय आराधना की चीज़ है, पर ये राजा और बादशाहों ने उसको अपने सुख के अनुसार ढालना शुरू कर दिया। ये ईश्वरीय आराधना की चीज़ है और ये दक्षिण भारतीय म्यूज़िक में ये नहीं मिलता है। ये राजा और बादशाहों के मनोरंजन के लिए उन्होंने प्रयोग नहीं किया, क्योंकि हो सक वहाँ पे मुसलमान राजाओं का राज्य कम रहा है, हैदराबाद वगैरह को छोड़ दिया जाए तो बहुत बाद में हुआ वो हैदराबाद का जो चेंजेस हुए अलाउद्दीन खिलजी के समय, जब अलाउद्दीन खिलजी का राज्य हुआ औरंगाबाद में, तो गोपाल नायक आदि बेजू कवि के जो प्रमुख शिष्य थे गोपाल नायक, उनको छल से हराया गया अमीर खुसरो के द्वारा। परंतु और खुसरो ने बादशाह के पीछे राजा के पीछे छुपकर उन्होंने गोपाल नायक का गाना सुना और फिर अपना जब गाना उन्होंने सुनाया तो वो उससे वो अनभिज्ञ थे। वो तराना पद्धति थी, तराना पद्धति जो है वो अरेबिक म्यूज़िक में आती है। तना दे दे दी तदेरे ना इस तरह से जो होता है, उसमें शब्द नहीं होते हैं, वो केवल ये इस तरह के बोल होते हैं जो बोलते हैं कि वो अरबी फारसी के बोल होते हैं, वो भी परमात्मा के लिए होता है इस तरह से कुछ लोग बोलते हैं। और इसी में फिर सितार और सरोद में इसी तरह के बोल बजते हैं, दारा दादिर दारा दा धीरे धीरे दा धीरे 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 दार दार इस टाइप के। तो वो धीरे वो चेंज आया, फिर उन्होंने कहा कि आप और गोपाल नायक और आप मिलकर एक नई पद्धति का आविष्कार कीजिए, ये दक्षिण पद्धति हमें ज़्यादा समझ में नहीं आती है। तो सारे गमों को सब हिला हिला के गाते हैं, सारी गम इस तरह से गाते हैं, तो उन्होंने सारे ग इस तरह से कर दिया, तो उसमें मधुरता आ गई। तो मधुरता और वो संगीत वो पूरा अलग हो गया, दक्षिण भारत से उत्तर भारतीय संगीत अलग, वो पूरा अलग हो गया। तो ऐसे चेंजेस आते गए, अब तराना गायन पद्धति आ गई अपने भारतीय संगीत में। तराना दक्षिण भारत में भी गाया जाता है पर उसको वो तिल्लाना बोलते हैं, और पर वो उन्होंने उसको एडाप्ट किया। ये कजरी चेती है जो प्रकार है वो ब्रज भूमि में आज भी गाए जाते हैं, कजरी और चेती तो वो प्रकार भी उपशास्त्रीय गायन में माने जाते हैं। और गज़ल गायन आया 17वीं शताब्दी के अंत में, गज़लें लिखी जाने लगी, गज़ल गायन शुरू हुआ। फिर गज़ल गायन आज भी है, आज भी होता है, हमज़ा नाते लिखी जाने लगी और चेंजेस हुआ। सूफी गायन शुरू हुआ, जो सूफी गायन है वो अमीर खुसरो द्वारा ही शुरू किया गया। खुसरो साहब ने दक्षिण की जो वारकरी परंपरा है, वारकरी परंपरा में पहले क्योंकि वहाँ औरंगाबाद में उनका राज्य रहा अमीर उनका अलाउद्दीन खिलजी का, तो वहाँ पर जो विट्ठल भक्त हैं जो वारकरी संप्रदाय से आते हैं, जो गुरुवार के गुरुवार बैठ के भजन किया करते थे, अक्सर हमारे यहाँ मराठियों में जो कथा होती है उसमें भी वारकरी संप्रदाय का वो माना जाता है। जो कथा करने वाले होते कथेकरी, वो उस हिसाब से चलते हैं, जैसे जय धीरे धीरे चलेंगे जय जय राम कृष्ण हरि करके धुमाली ताल में, और उसके बाद फिर लय बढ़ाते जाते हैं, फिर वो एकाद श्लोक बोलते हैं। जो छवि देखी छाप तिलक सब छाप तिलक सदा मिला के मुझे नैना मिला के मुझे
जात रही थी पनिया बरन को, जात रही थी पनिया बरन को, पनिया बरन से मैंने तीनों उदाहरण दे दिए।